अब इसे रेलवे अधिकारियों की लापरवाही कहें या कुछ और, एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार रहे रेवाड़ी जंक्शन पर सीआरपीएफ पुलिस की मनमानी सर चढ़ कर बोलने लगी है। इसका नतीजा है कि बीती देर शाम सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए एक वेंडर की जमकर डंडों से धुनाई कर डाली। इस वेंडर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस जवान को मंथली देने से मना कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम कर्णिया। तो क्या करते हो? सर वेंडर हूं सर, यहां पर रेलवे स्टेशन पर। क्या बात हो गई, एक मारपिटाई हुई किसी वेंडर के साथ? सर जो अनिल सर, मैं जो है ये सबसे मंथली मांगता है और मंथली ना देने के ऊपर ये मारपीट करता है। अलवर में इसका रिश्तेदार का आरआर है, वो ये कहता है अगर जो भी काम करना है अलवर के अंदर कर लो, मेरे रिश्तेदार के अंडर में काम करो, यहाँ किसी के अंडर में काम नहीं करना है। और मंथली मांगता है, जो मंथली नहीं देता उनको मारता है। कितने लोग मंथली दे रहे हैं? मंथली लोग जो चल रहे हैं बेचार, जो वेंडर चल रहे हैं। वेंडरों का आरोप यह है कि यह जवान उनसे मंथली के 200 रुपए मांगता है और जो मंथली नहीं देता उसे ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाता। अब पुलिस इस मामले में बजाय कोई कार्यवाही करने के उल्टा उन्हें ही दोषी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। क्या करते हो? सर मैं अनुथाई काम करता हूं ट्रेन में, स्टेशन पर। हाँ जी। क्या कुछ हो गया? वेंडर की पिटाई लेके चढ़ा था, मुझे बंद पकड़ लिया अनिल शर्मा जी ने। कौन है अनिल शर्मा? आरपीएफ में। क्या कहा? चल थाने में। तो थाने में मैं चल दिया तो वहाँ थाने के अंदर 4-5 और बंद कर रखे थे। मगर कुछ भी हो, इतनी बड़ी घटना के बावजूद सीआरपीएफ अधिकारी मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं।